हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड जीके। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो, आई हैव डिस्कस द मेंस एग्जामिनेशन पेपर ऑफ हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज। एंड फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में जो है काफ़ी एग्जाम्स आ रहे हैं मेंस के। दिल्ली की तरफ से प्री हुआ है, राजस्थान प्री हुआ है, फिर एमपी का प्री हुआ, तो ऑब्वियसली इनके मेंस आएंगे अभी। दिल्ली का जो रिसेंटली आने वाला है, सो वी आर प्रिपेयरिंग द वीडियोज फॉर मेंस एग्जाम्स। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पोटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि आ सकते हैं आपके मेंस एग्जाम में। हमने जो है क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं फ्रॉम राजस्थान एंड एमपी। देखिए, दिल्ली जुडिशियरी में जो टीपीए जो है मेंस के एग्जाम में पहले सिलेबस में नहीं था, इसी साल से ये डाला गया है, बिकॉज इस बार ही डीजीएस ने जो है सिलेबस को थोड़ा वास्ट कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, दिल्ली में हो सकता है कि सिचुएशन बेस्ड या फिर जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाएँ, बट कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप जो है इजीली उनको आंसर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, वी रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को तो आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, कि उनको बताएं कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड पोटेंशियल क्वेश्चन जो कि आपके मेंस एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आए थे, एमपी में क्वेश्चंस आए थे टीपीए के, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के, वो कौन से थे और क्या क्वेश्चन जो है अभी आ सकते हैं दिल्ली मेंस के एग्जाम में, राजस्थान मेंस के एग्जाम में एंड एमपी मेंस के एग्जाम में। तो ये आरजीएस 2011 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन या एलोबरेट दी डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग देम विच शेल प्रिवेल एंड मैंशन रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एंड केस लॉस। तो देखिए, यहाँ पर आपने मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में बताना है, कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। और देखिए, मार्शलिंग और कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कहाँ पर बताया गया है, तो सेक्शन 81 जो है आपका इसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 81 ऑफ टीपीए, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सेक्शन 81 प्रोवाइड्स फॉर मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ दैट इफ द ओनर ऑफ टू मोर प्रॉपर्टीज मॉर्गेजेस देम टू वन पर्सन। ठीक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है एक के पास, उसने जो है एक पर्सन को मॉर्गेज कर दी और फिर दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे को मॉर्गेज कर दी। अब जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज ही है उसका पहला राइट है उसके उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपना डेट सेटिस्फाई करने के लिए, बट वो जो है पहले प्रायर मॉर्गेज ही है उसको प्रेजुडाइज नहीं करेगा। हु हैज़ फॉर कंसिडरेशन एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दी प्रॉपर्टी, जिसने उस उन प्रॉपर्टीज़ में कोई इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गेज डेट सेक्शन 82, ये आप देख सकते हैं। तो इनके बारे में भी आपने जो है वहां पर बताना है। और अगर केस लॉस की बात करें तो जो आपका बेयर एक्ट है वहीं पर बहुत सारे केसेस लिखे हुए हैं, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। करण सिंह वर्सेज शुक्लावेदी, सत्यनारायण वर्सेज ऑफिसर रिसीवर, फिर कुसुरी कोठेश्वर राव वर्सेज कोठू वेंकटरमन राव, उन्नामल वर्सेज गोपाल स्वामी, जयसिंह वर्सेज हरनाम दास। तो ये कुछ केसेस हैं मार्शलिंग एंड सिक्योरिटीज़ पर, तो ये सब आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। और आपके पास कोई और मटेरियल हो और कोई एग्जांपल्स हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए और अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है याद रहे कि भाई आपने उस दिन वहाँ पर लिखा था और जो कंटेंट लिखा था वो आपको हमेशा याद रहेगा, बिकॉज नॉलेज जो है शेयर करने से ही बढ़ेगी। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए ज़रा इस क्वेश्चन का आप कैसे आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस। देखिए, लीज एंड लाइसेंस में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले लीज कहाँ पर मेंशन किया गया, सेक्शन 105 टीपीए में, और लाइसेंस कहाँ पर मेंशन किया गया है, सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट में। सबसे पहला डिफरेंस तो अब यही लिख सकते हैं, मैंने जो है नीचे लिखा है इधर। तो पीरियड इज रेलिवेंट वन ईयर्स अगर ऊपर है तो कंपलसरी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है। लीज टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, और यहाँ पर क्या है टर्मिनेशन होगा एज पर सेक्शन 111। ठीक है, हेरिटेबल है, लाइसेंस इज नॉट हेरिटेबल, एक बार ख़त्म तो दूसरे को नहीं दे सकते। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, प्लीज़ लिखिए यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है गिफ्ट, व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड गिफ्ट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वैलिड गिफ्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। गिफ्ट में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
और डिक्लेरेशन कौन करेगा? डोनर करेगा. एक्सेप्टेंस कौन करेगा? डोनी करेगा. डिलीवरी प्रॉपर्टी कौन करेगा? ऑब्वियसली डोनर करेगा. तो जो एब्सोल्यूट अनइक्वोकल भी हो सकता है और कंडीशन भी हो सकती है इसमें, बट कंडीशन कोई ऐसी अनरीजनेबल कंडीशन नहीं हो सकती. तो सबसे पहले आप बता सकते हैं सेक्शन 122 में जो है गिफ्ट के बारे में बताया गया है कि गिफ्ट क्या होता है, ठीक है. फिर उसके एसेंशियल्स लिख देंगे हम. प्रॉपर्टी होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस बाय डोनी होना चाहिए, डोनर जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए. डोनी की कॉम्पिटेंसी ज़रूरी नहीं है, डोनी जो है वो माइनर भी हो सकता है. तो मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया है, मैंने यहाँ पर गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी के बारे में भी लिखा है. सेक्शन 124 प्रोवाइड करता है. फिर क्या गिफ्ट मोर देन वन डोनी को दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं. फिर यहाँ पर थोड़ा सा ओनर्स गिफ्ट के बारे में बताया है. क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए ओनर्स गिफ्ट पर. तो जो ओनर्स गिफ्ट का जो रूल है वो किस पर बेस है? क्वी सेंटिट कमोडम सेंटायर डेबे एट ओनर्स. इट इम्प्लाइज दैट वन पर्सन हु एक्सेप्ट द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजेक्शन मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट द बर्डन ऑफ इट. तो यहाँ पर मैं आपको जो है आंसर्स बता रहा हूँ, पोटेंशियल आंसर्स हो सकते हैं ये. तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको आराम से लिख सकते हैं. वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से लिखते रहिए. फिर मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल डोनी के बारे में बता दिया है. क्या पता इससे भी क्वेश्चन आ जाए आपका. फिर आप जो है गिफ्ट को कब सस्पेंड कर सकते हैं और कब रिवोक कर सकते हैं एज पर सेक्शन 126, तो वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है. रिवोकेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कंडीशन हो सकती हैं. तो आप लिख लीजिएगा इनको, वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए. रिवोकेशन बाय रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड कर दिया. बोनाफाइड परचेजर कौन होता है? इज अ पर्सन हु हैज परचेज अ गिफ्ट प्रॉपर्टी इन गुड फेथ एंड विद कंसिडरेशन. रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, सेक्शन 123 में ही लिखा हुआ है ना. इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर जो गिफ्ट है वो चाहे 100 रुपये का हो चाहे 100 रुपये से कम हो या ऊपर हो, तो वो जो है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है. लिखा है ना सेक्शन 123 में कि मस्ट बी अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनर. तो एनी टाइप ऑफ गिफ्ट इज ऑलवेज रजिस्ट्रेबल, कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल. फिर आज 2013 में क्वेश्चन आया था लॉ पेपर 1 में, सेट द कंडीशंस अंडर द टीपीए वेयर अंडर अ लीज स्टैंड्स टर्मिनेटेड. अब टर्मिनेशन ऑफ लीज कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 111 ऑफ टीपीए में. तो उस वहाँ पर आप कैसे कैसे उसको टर्मिनेट कर सकते हैं लीज को, तो वो जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर में. और अगर आपको कुछ एडिशनल पता है, कोई अच्छी नॉलेज है, तो आप ज़रूर लिखिए यहाँ पर, कोई शेयर कीजिए अपनी नॉलेज को. ऑलराइट. फिर 2015 में क्वेश्चन आया, एलोबरेट रूल अगेंस्ट परपेचुटी. रूल ऑफ परपेचुटी क्या होता है? कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी या परपेचुटी में ऐसा नहीं दे सकते कि जिससे लॉन्ग टाइम तक जो प्रॉपर्टी विदाउट एनी ओनरशिप रहे. तो सेक्शन 14 जो है टीपीए का वो प्रोवाइड करता है कि नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर लाइफ टाइम वन और मोर पर्सन लिविंग एट डेट ऑफ सच ट्रांसफर एंड माइनॉरिटी ऑफ सच पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इफ ही अटेन फुल एज इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू बिलोंग. यहाँ पर मैंने ये आंसर लिखा है, आप इसको देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आप जो है आराम से देख लीजिए. तो जब आप प्रॉपर्टी किसी को वेस्ट कर रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, मान लीजिए ए का लाइफ टाइम, फिर उसके बाद बी को, फिर बी के सन को, लेकिन बी के सन जो है बिगोटन था बट पैदा होने से पहले जो है उसकी बी की डेथ हो गई, क्या ये प्रॉपर्टी रिवर्ट करेगी ए के लीगल हायर्स को? नो. सी जो है उसकी उसका वेट करेंगे हम उसके 18 ईयर्स तक होने का. अगर वो 18 ईयर्स से होने तक वो ज़िंदा रहता है तो सी में वेस्ट कर जाएगी, अगर नहीं तो रिवर्ट बैक कर जाएगी. इसके एसेंशियल एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन है, वेस्टिंग इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशरी प्रिसीडेड बाय लाइफ इंटरेस्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर डेथ ऑफ द लास्ट प्रिसीडिंग लिविंग पर्सन, इफ एन इंटरेस्ट एलिनेटेड बियॉन्ड द पीरियड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14 सच ट्रांसफर वुड बी वॉइड. ओके.
देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा यहाँ से। आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं बियॉन्ड सच पीरियड। तो कोई पर्सनल एग्रीमेंट है तो वहां पर कर सकते हैं आप, कोई पर्सनल एग्रीमेंट है किया है वो भी वहां पर भी कर सकते हैं। फिर मोर्टगेज रिडम्पशन है, वहां पर जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो अप्लाई नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लिस्ट पेंडेंस, व्हाट इज दिस पेंडेंस, डॉक्ट्रिन कहां से ओरिजिनेट हुई थी ये, बेलमी वर्सेस बेन 1857, जज टर्नर ने यहां पर इसको प्रपाउंड किया। डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंस वाज ए डॉक्ट्रिन कॉमन टू द कोर्ट ऑफ लॉ एज वेल एज इक्विटी, सिंस इट वुड बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ सूट दैट इज इंस्टिट्यूट इन अ कोर्ट टू बी एजुकेटेड इफ एलिनेशन पेंडेंटलिटी वर अलाउड टू प्रिवेल। तो उनको स्टॉप करने के लिए जो है इस डॉक्ट्रिन को प्रपाउंड किया गया। और सेक्शन कौन सा है टीपीए में, 52। और लिस्ट पेंडेंस पे जो है अभी रिसेंट जो केस लॉ आया है दैट इज जीटी ग्रीश वर्सेस वाई सुब्बा राव, इसको आप पढ़ लीजिए, आप जो भी कंसेप्ट है लिस्ट पेंडेंस के वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से इसको एलोबरेट किया है कि भाई क्या होता है और क्या होना चाहिए। ट्रांसफर इज नॉट वॉयड जस्ट बिकॉज ट्रांसफर इज मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, द फैक्ट ऑफ 52 इज दैट द ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सूट, मतलब जो ट्रांसफर किया है वो वॉयड नहीं है बट दैट इज ओनली सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सूट। तो देख लीजिएगा आप इस केस को। देन क्वेश्चन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ क्लॉग ऑन रिडम्पशन, लेकिन दिस इज अ बेसिक डॉक्ट्रिन दैट एनी कंडीशन विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ रिडम्पशन शैल बी वॉइड बिकॉज वंस अ मॉर्टगेज इज ऑलवेज अ मॉर्टगेज, दैट इज ऑल्सो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। भाई एक मॉर्टगेज कर दिया, अब लीज डीड में लिख दिया कि आपको रिडम्पशन का राइट नहीं है, व्हाट इज दैट, दैट इज अ क्लॉग ऑन रिडम्पशन, ठीक है। या फिर आपका 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपका राइट रिडम्पशन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो एनी सच क्लॉजेज दीज आर कॉल्ड एज क्लॉग ऑन रिडम्पशन, तो वो जो है क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तो वीडियो पोस्ट करके आप इसका आंसर देख सकते हैं और अपना भी आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। नेक्स्ट है अजय 2016 का क्वेश्चन, हाउ अ सेल इन अ केस ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन वैल्यू और मोर देन ₹100 कैन बी मेड अंडर सेक्शन 54 टीपीए। सेक्शन 54 टीपीए क्या है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल और सेल हाउ मेड, तो वो आपने लिखना है पहले। देखिए जहाँ पर भी बेरेक्स प्रोवाइड किए गए हैं तो दी एग्जामिनर इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड राइट दी होल सेक्शन, कि भाई सारा सारा सेक्शन आपने जो है टेप देना है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान के पेपर में बैरेक्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं तो वहाँ पर दे एक्सपेक्ट किया आप जो सेक्शन 54 जो है सेक्शन के बारे में बताएं, अगर आपको पूरा एग्जिट आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर बैरेक्स दिए गए तो वहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा लिखा सेल ट्रांसफर ऑफ सो एंड सो दैट्स इट, और उसके बाद क्या कर दिया, ये कर दिया, और लास्ट में जाके जो इसका लास्ट पॉइंट अगर लिखा हुआ वो लिख दीजिए, दैट इज सफिशियंट। पूरा पूरा सेक्शन आप टेप नहीं गए तो ऑब्वियसली आपके तो दैट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर। अब आगे आरजे 2017, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53A ऑफ टीपीए इज राइट एज वेल एज डिफेंस, इस पे आपने कमेंट करना है, पूरा लिखना है इसके बारे में। तो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, पहले उसके बारे में लिखिए कि भाई कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल मैक्सिम, इक्विटी लुक्स ऑन दैट एज डन विच इज ऑट टू बी डन, ठीक है। व्हेन अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विलिंगली इन द कॉन्फिडेंस दैट अदर पार्टी वुड ऑल्सो डू द सेम एंड इफ द अदर पार्टी रिफ्यूजेज टू परफॉर्म देन द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कम इन टू प्ले एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द परफॉर्मिंग पार्टी, ठीक है। कि भाई अब सेलर वो कहता है कि जी मैं आपको मकान दूंगा, बायर कहता है जी मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। पहले पैसे दे दिए, आधे पैसे दे दिए मान ले तो चलो ठीक है भाई, दैट इज इंटेंशन कि आप खरीदना चाहते हैं। फिर जो सेलर वो कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं बेच रहा, पैसे वापस नहीं कर रहा, दैट इज रॉन्ग। फिर अब जो है सेक्शन 16 SRA
वो भी थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं लास्ट में। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के, कि देयर मस्ट बी ए वैल्यू कंसिडरेशन, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन एंड साइन बाय ट्रांसफरर, ट्रांसफरी हैड आइदर ऑलरेडी टेकन पोजेशन, ठीक है, मस्ट डू सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट बी विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म, देयर मस्ट बी रियल कनेक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब पर्पस क्या है इस डॉक्ट्राइन का, देखिए द एम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड इनजस्टिस, ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आरजे 2018 का क्वेश्चन। अब देखिए ये ना एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन आने के चांसेस हैं दिल्ली जुडिशरी में, डीजेएस में जो है इस टाइप के ही आ सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए डिपॉजिट टाइटल डीड विद द प्रॉपर्टी विद द बैंक एक्स टू सिक्योर एन ओवरड्राफ्ट, ए आस्क बैंक टू रिटर्न द डीड ऑन द ग्राउंड दैट ही वांट्स टू सेल द प्रॉपर्टी, क्लियर्स द ओवरड्राफ्ट, द यूजुअल प्रैक्टिस इन सच केस वाज फॉर द प्रोस्पेक्टिव बायर टू इंस्पेक्ट द टाइटल डीड इन द ऑफिस ऑफ मोर्टगेजेस एडवोकेट, बट ए सेड दैट ही वुड नॉट गेट अ गुड प्राइस इफ द बायर केम टू नो दैट बैंक हैज द डीड्स, द बैंक मैनेजर रिटर्न द डीड्स टू ए, देन ए बोर्ड मनी फ्रॉम अनदर बैंक, वाई ऑन द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स फॉल्सली प्रेजेंटिंग दैट देयर वॉज नो इनकम्ब्रेंस एज बिटवीन बैंक एक्स एंड वाई, हु विल हैव द प्रायोरिटी टू रिकवर द ड्यूज फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो कौन से बैंक को जो है प्रायोरिटी मिलेगी, एक्स को या फिर वाई को, तो यहाँ पर वट कम्स इन टू द पिक्चर, यहाँ पर आती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, किसका राइट जो है प्रायर राइट है, जो डॉक्ट्राइन है वो बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिंसिपल दैट विच स्टेट दैट इफ द राइट्स आर मेड इन फेवर ऑफ टू डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट टाइम देन द वन हु हैज एडवांटेज इन टाइम विल ऑल्सो हैव एडवांटेज इन लॉ, ठीक है। फिर सेक्शन 48 इंस्पायर फॉर लीगल मैगजीन, क्वी प्रायर एस टेम्परे प्रायर एस जूरे अल्टीमेटली विच मीन वन हु फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ, एंड वॉट सेक्शन 48 प्रोवाइड्स दैट नो मैन कन्वेज अ बेटर टाइटल अदर देन वॉट ही हैज, नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, नो मैन कैन पास द बेटर टाइटल देन ही हैज हिमसेल्फ, ऑल राइट। एंड वॉट सेक्शन 48 प्रोवाइड्स, सेक्शन 48 प्रोवाइड द प्रायोरिटी ऑफ राइट क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ए पर्सन हु प्रपोज टू क्रिएट, तो आप जो है सेक्शन 48 जो है वो देख सकते हैं, वो भी आपने लिखना है यहाँ पर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए प्रायोरिटी वाला, डॉक्ट्राइन तो लिखनी ही लिखनी है, फिर जो है आप इसके एसेंशियल्स लिखिए, क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी के एसेंशियल, टू बी वन ओनर और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मोर देन वन ट्रांसफरी, एंड एक ओनर होगा और दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफरी होंगे, इमोवेबल प्रॉपर्टी होगी, ट्रांसफर शुड क्रिएट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, राइट कैन नॉट एक्सरसाइज एट द फुलेस्ट एट द सेम टाइम। अब इफेक्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, ये भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताया है, ये थोड़ा सा इलस्ट्रेशन भी लिखा है, आप जो वीडियो को पॉज करते जाइए और लिखते जाइए, अगर आपको लिखना है, आपको जो है नोट्स बनाने हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और उसको लिखिए। लोग क्या करते हैं, उनको भी सिर्फ नोट्स चाहिए, अभी हाँ जी नोट्स प्रोवाइड कर दो, नोट्स प्रोवाइड कर दो, उन्होंने लिखना नहीं है, बट लिखने की तो प्रैक्टिस आपकी होनी ही चाहिए, अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए जो है एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है। वो केस कौन सा लिखना है यहाँ पर, लॉयड्स बैंक वर्सेस पीई गुजदार, तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चंस का ना कोई आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ कोई ये ठीक आंसर है, वो तो सिर्फ जो एग्जामिनर है जो हाई कोर्ट है वही डिसाइड कर सकता है कि भाई इस चीज़ का ये आंसर है। एंड समटाइम्स क्या होता है, जैसे हरियाणा जुडिशरी के पेपर में भी हुआ, जो क्रिमिनल लॉ का जो क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ कह रहे हैं एक्सटॉर्शन है, कुछ कह रहे हैं कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, फिर एक क्वेश्चन और आया जो सिविल लॉ 2 का था हिंदू लॉ में, कि भाई राइट टू सर्वाइव हुआ है, फिर वो कह रहे कुछ कह रहे नहीं वो पैदा ही नहीं हुआ, तो लोग जो है मानते नहीं है अनलेस एंड अनटिल हाई कोर्ट उस चीज़ को जो है सब्सटेंशिएट ना कर दे। तो अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि भाई उसने पहली बात तो उसने क्या किया, उसने फ्रॉड प्ले किया और फ्रॉड के बाद जो है वाई के पास फिर से उसको मोर्टगेज कर दिया, ठीक है, लेकिन जब वाई जो है उसको तो नोटिस नहीं है इस चीज़ का, और दूसरी बात
भाई एक्स ने उसको दी ही क्यों, जो प्रैक्टिस है कि भाई एडवोकेट के वहां पर आप आकर देख लीजिए, तो ऐसे तो कोई भी आके कुछ बोल देगा जी अब तो आप उसको पकड़ा दोगे डीड्स को, तो दैट इज ऑल्सो नेग्लिजेंस, तो दिस वुड फॉल अंडर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी। और लॉयर्ड्स बैंक का केस आप लिख सकते हैं, फिर ये धरानी मोहन प्रमथानाथ ये आप केस लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, वीडियो पॉज कीजिए लिख लीजिए। तो ये देख क्वेश्चंस राजस्थान से, अब आते हैं क्वेश्चंस एमपी से, देखिए एमपी से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। 2013 में क्वेश्चन आया है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मोर्टगेज मनी ए मोर्टगेजी इन विच केसेस एंड अंडर व्हाट कंडीशन कैन सेल द मोर्टगेज प्रॉपर्टी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं है उसके, विदाउट कोर्ट के जो है सेल करनी है प्रॉपर्टी, तो कौन सी इसमें कर सकते हैं। थोड़ा पहले यहाँ पर आप जो है हल्का सा बताइए कि व्हाट इज़ मोर्टगेज, कहाँ पर मेंशन किया गया सेक्शन 58 में, आप जो थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं एक या दो लाइन का, फिर बताना है कि कौन से केस में जो है आप कब सेल कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए मोर्टगेज के बारे में लिख दिया, यहाँ सेक्शन 58 यहाँ पर रेफर कर दीजिए। मोर्टगेज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। अब मोर्टगेज कैन टेक पोजेशन एंड सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ओनली इन केस ऑफ इंग्लिश मोर्टगेज, क्यों? अब यहाँ पर आप जो है इंग्लिश मोर्टगेज के बारे में लिखेंगे कि भाई 58E में लिखा हुआ इंग्लिश मोर्टगेज के बारे में, और क्या होता है, वे द मोर्टगेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे मोर्टगेज मनी ऑन सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मोर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली टू मोर्टगेजी। इसमें क्या होता है ना, मोर्टगेजर जो है वो मोर्टगेजी को ट्रांसफर करेगा एब्सोल्यूटली कि भाई आपकी प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है, और मैं इस दिन पैसे दूंगा आपको तो आप मेरे को वापस कर देना। अब जब पैसे वापस नहीं किए तो ऑब्वियसली ट्रांसफर तो एब्सोल्यूट हो ही चुका है, तो विदाउट इंटरवेंशन उस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन ले सकता है वो मोर्टगेजी। ऑलराइट, यहाँ पर थोड़ा मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट, हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, एंड वेदर वेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनबोर्न पर्सन। यस, हो सकता है, देखिए बताइए व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट कहां पर मेंशन किया गया, सेक्शन 1920 टीपीए में, ओके। फिर कॉन्टिजेंट बता दीजिए, व्हाट इज कॉन्टिजेंट, जो कि 21 से 24 में बताए गए हैं टीपीए में। फिर आप सेक्शन 13 बता सकते हैं कि इफेक्ट जनरल रूल दैट ट्रांसफर कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन लिविंग पर्संस इफ इट ऑल हैज ट्रांसफर टू बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, ले डाउन द मैकेनिज्म, ठीक है। तो अनबोर्न के फेवर में आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मशीनरी ऑफ ट्रस्ट, तो मैकेनिज्म लिखा है यहाँ पर सेक्शन 13 में, वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब देखिए 23 में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया क्या, अनबोर्न पर्सन वाला ट्रांसफर, ठीक है। फिर रूल अगेंस्ट परपेचुटी हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों। फिर 2015 में क्वेश्चन क्या पूछा, कंडीशन नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, हम बता चुके हैं, पर डिस्कस कर चुके हैं पहले। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, फिर सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिफरेंस बताना है यहाँ, बस यहाँ पर। तो अब देखिए मैंने फिर से वही सेक्शन 54 कोट किया है, तो सेक्शन 54 तो कोट करना ही करना है सेल के मैटर में। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने हैं, पार्टीज होने चाहिए, सेलर होना चाहिए, बायर होना चाहिए, तो जो है साउंड माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन होना चाहिए। तो ये सब आप जो है वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए, लिख लीजिए, लिखना है अगर आपको तो। सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा ऑब्वियसली, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास।
फिर कॉम्पिटेंसी की बात करी गई, मनी कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, विदाउट कंसिडरेशन देर इज नो सेल। फिर कन्वेंस होगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसका, रजिस्ट्रेशन होगा, 100 रुपये के ऊपर प्रॉपर्टी है अगर। रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म सेटल बिटवीन दी पार्टीज। ओके, फिर सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में आप डिफरेंस बता दीजिए, डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। ये राइट इन रैम है, इन पर्सोनम है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। 54 में ही लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का। ओके, देख लीजिए आप, पॉज करके वीडियो आराम से लिख लीजिए। फिर 2016 में क्वेश्चन आया कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अलॉन्ग विद इट्स एक्सेप्शन। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कहाँ पर है? सेक्शन 35 ऑफ TPA। ऑलराइट, तो आप जो है वीडियो पॉज कीजिए और आराम से इसको पढ़िए और लिखिए, जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए वो लिखिए, और जो एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको भी आपकी नॉलेज के बारे में पता लगे। शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ेगी। जैसे ही आप शेयर कर दोगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ जी मैंने वहाँ पर लिखा था ये चीज़। असेंशियल क्या क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के? राइट टू चूज, रिजेक्ट, इलेक्ट, फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। इलेक्शन में कितनी पार्टीज होती हैं? 3 ऑनर, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी कोट किए हैं यहाँ पर मैंने, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में लिखा है यहाँ पर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, दिस इज इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। मोड्स ऑफ इलेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं? डायरेक्ट हो सकता है एंड इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कैसे होगा? दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम ओनर इज रेडी फॉर ट्रांजैक्शन। इनडायरेक्ट कैसे होगा? कि ओनर को नॉलेज तो है बट उसने हाय ना नहीं करी है और वो जो है ट्रांसफर हो गया, तो ऑब्वियसली इम्प्लाइड ट्रांसफर हो गया ना। अगर मान लीजिए एक्सेप्शन के बारे में पूछ लें आपसे पेपर में, इलेक्शन के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं सेक्शन 35 ऑफ TPA में, तो वो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्रॉडलेंट ट्रांसफर? तो वर्ड फ्रॉडलेंट से ही पता लगता है, एनी ट्रांसफर विच इज मेड बाय फ्रॉड, वही फ्रॉड प्ले किया है और उसके बाद ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। सेक्शन 53 TPA mentions अबाउट दैट, थोड़ा सा रेफर करेंगे 53 को, उसके बारे में लिखेंगे, फिर मीनिंग क्या होता है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर का वो लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, मान लीजिए पूछ ले पेपर में व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, तो वो भी लिख सकते हैं आप। ना ही पूछा तो दो लाइन का तो आप लिख ही सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। फिर व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर? जहाँ पर आपने फ्रॉडलेंट ट्रांसफर की डॉक्ट्रिन अप्लाई करनी है तो उसके एसेंशियल क्या क्या होने चाहिए, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो देख लीजिए। फिर आप थोड़े एक्सेप्शंस लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्सेप्शंस ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर अंडर TPA,
जहाँ पर एक्टेड इन गुड फेथ है या फिर ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन है वहाँ पर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर जो है अप्लाई नहीं होता। फिर सूट कैसे फ्रेम करना फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में, कौन करेगा, क्रेडिटर करेगा, ऑन द ग्राउंड ट्रांसफर इज मेड टू डिफीट डिले द क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफरर। ओके, केसेस हैं कुछ रेफर किए हैं यहाँ पर, आपको भी केसेस पता है कोई अच्छे केसेस पता है तो आप जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन नंबर जैसे एमपी का 2016 का पेपर है ये, एमपी का 2016 का एग्ज़ाम है पेपर है ये, 2016 का एग्ज़ाम पेपर है ये, और क्वेश्चन नंबर है 3B, तो वो आप लिख दीजिए और केस लिखिए यहाँ पर, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑस्टेंसिबल ओनर एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 41। और देखिए क्वेश्चन से ही बता दिया, क्वेश्चन नहीं बता दिया कि सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट द ऑस्टेंसिबल ओनर, तो आप थोड़ा सा यहाँ लिखिए कि कौन होता है, हु हैज़ ऑल इंडिकेशन ऑफ ओनरशिप लुक्स लाइक द ओनर बट इज नॉट रियल ओनर, मतलब क्या हो गया बेनामी ट्रांजेक्शन्स। वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं और लिख लीजिए नोट्स में अपने, कुछ एक्स्ट्रा आपको अगर पता हो तो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ये केस है जो राजकुमार कुंडू वर्सेस जॉन एंड मारिया मैक्वीन, इट्स अ वेरी फेमस केस। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो अब जो है वो भी लिख सकते हैं, ऑस्टेंसिबल ओनर की जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, शुड बी ऑस्टेंसिबल ओनर, कंसेंट होगी किसकी, रियल ओनर की, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड, गेट सम कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी, रीजनेबल केयर टू बी टेकन बाय ट्रांसफरी, ये सब जो है आप मेंशन कर सकते हैं। ये थोड़ा देख लीजिए आप नोट्स में, अगर आप अपने ऐड करना चाहें तो वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं और लिख लीजिए। यहाँ थोड़ा मैंने एलोबरेट कर दिया है, कंसेंट ऑफ रियल ओनर होगा, आप इसको पोज करके देख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑस्टेंसिबल ओनर में जो आप जो है लिख सकते हैं एग्जाम में, और दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दी कंसेप्ट ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मॉर्टगेज के बारे में, व्हाट इज मॉर्टगेज, डिस्क्राइब काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ मॉर्टगेज एंड चार्ज। तो पहले मॉर्टगेज बताइए, मॉर्टगेज होती क्या चीज़ है। मॉर्टगेज कन्फर्म्स फ्रॉम द लैटिन टर्म हाइपोथिका ऑफ, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने लिखा है यहाँ पर मॉर्टगेज के बारे में, फिर आप जो है सेक्शन 58 जो है डिफाइन कर दीजिए व्हाट इज मॉर्टगेज, और फिर लिखिए भाई
काइंड्स क्या क्या हैं, सिंपल मॉर्गेज है 58B में लिखी हुई है, उसके एलिमेंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पर, ये सब जो है सिंपल मॉर्गेज का ही अभी पार्ट चल रहा है। मॉर्गेज की रेमेडीज क्या क्या है सिंपल मॉर्गेज में वो भी लिख दिए यहाँ पर। फिर है कंडीशनल सेल 58C में, वो आप देख सकते हैं। कंडीशन लिख दी फिर यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए अपने नोट्स में। फिर आती है यूसुफ रक्चरी मॉर्गेज 58D में, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूसुफ रक्चरी मॉर्गेज, कि भाई पोजेशन रिटेन होगा, जो रिसीव रेंट या प्रॉफिट्स आएंगे वो आप रिटेन कर सकते हैं टू अप्रोप्रिएट द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ इंटरेस्ट, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाएगा यहाँ पर, रेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो तो लेने ही लेने हैं, तो रेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो इन लियो ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। वीडियो पोस्ट करके आप जो है अपने नोट्स में सब लिख सकते हैं। फिर इंग्लिश मॉर्गेज अभी हमने कर ही लिया है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था इंग्लिश मॉर्गेज। नेक्स्ट है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसको इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं, 58F में मेंशन किया गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं एमपी में, अभी आगे आएगा कि इक्विटेबल मॉर्गेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास लिखने के लिए। फिर एनोमलस मॉर्गेज, मिक्सचर ऑफ एनी मॉर्गेज 58G में है, अब यहाँ पर कुछ और टाइप भी हो सकते हैं मॉर्गेज के, जो कि सब मॉर्गेज और पाइन मॉर्गेज भी आप उसको बोल सकते हैं। सब मॉर्गेज क्या होता है, फिर मॉर्गेज इज मॉर्गेज अगेन, जब जिसको आप दोबारा से मॉर्गेज कर दें, जैसे एक्स ने मॉर्गेज किया अपना हाउस जेड को 15,000 रुपये में, फिर जेड ने फर्दर मॉर्गेज कर दिया, मॉर्गेज राइट्स जो है अपने वो मॉर्गेज कर दिए किसी और के पास 5,000 रुपये में, तो जो नेक्स्ट वाली होगी वो क्या होगी, सब मॉर्गेज, जैसे सब लीज होती है ना वैसी जो है सब मॉर्गेज हो जाएगी। फिर पाइन मॉर्गेज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पारी पासू मॉर्गेज, कि भाई एक ही प्रॉपर्टी को आप जो है दो जगह पर
मॉर्गेज कर रहे हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की, 10 लाख के लिए आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दिया, फिर 5 लाख के लिए आपने सिंडिकेट बैंक को दे दिया, तो दैट इज अ पाइन मॉर्गेज, जहाँ पर दोनों बैंक्स का जो है इक्वल चार्ज रहेगा। ओके तो ये था मॉर्गेज के बारे में। 2017 में पूछा क्या मॉर्गेज के बारे में, फिर आगे पूछ लिया जो राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेजर, वेदर मॉर्गेजर कैन सीक पार्शियल रिडम्पशन, मॉर्गेजर के राइट्स कहाँ पर मेंशन किए गए रिडम्पशन के, सेक्शन 60 ऑफ टीपीए में, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर उसको मेंशन कीजिए, फिर जो है आप ये सब लिख सकते हैं। तो देयर आर 3 primary kinds ऑफ रिडम्पशन, कौन कौन से, डिलीवरी ऑफ पोजेशन बैक टू द मॉर्गेजर, डिलीवरी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स एंड द मॉर्गेज डीड, रिटर्निंग द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ मॉर्गेजर। तो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं राइट ऑफ रिडम्पशन की, वो यहाँ पर देख लीजिए, रिडम्पशन बिफोर टाइम पीरियड, वैलिडिटी ऑफ द डीड क्या रहेगी, राइट्स क्या है मॉर्गेजर के, तो ये राइट्स लिख दिए हैं यहाँ पर, ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज पूछ लें अगर, तो एक्सेप्शंस क्या है राइट और रिडम्पशन के, तो वो बता सकते हैं आप। अब लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई होता है, आर्टिकल 61 का ए जो है वो कहता है कि 30 ईयर्स में आप जो रिडीम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज एक्सप्लेन, तो अभी जैसे मैंने बताया क्लॉज ऑन रिडम्पशन के बारे में, तो एक बार मॉर्गेज अगर आपने कर दिया वो जो है मॉर्गेज ही रहेगी, सेल नहीं बन सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकती, थोड़ा देख लीजिए आप, क्योंकि राइट ऑफ रिडम्पशन जो है दैट इज सिन क्वा नॉन टू मॉर्गेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3B की, सेक्शन 5 में ट्रांसफर प्रोवाइड एक्सप्रेशन ट्रांसफर प्रॉपर्टी, तो ये बताना है आपने, यहाँ पर सेक्शन 5 मेंशन कर दिया कि वेदर फैमिली अरेंजमेंट ट्रांसफर होता है, सरेंडर ट्रांसफर होता है, आइडल जो है क्या वो लिविंग पर्सन है, तो इनका आपने बताना है। तो सेक्शन 5 थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, सेक्शन 5 क्या कहता है ऊपर लिखा भी हुआ है, फिर काइंड्स ऑफ ट्रांसफर कैसे हो, तो काइंड्स ऑफ ट्रांसफर कौन से होते हैं, सेल मॉर्गेज लीज एक्सचेंज गिफ्ट, ठीक है। फिर सेक्शन 6 मेंशन करता है कि आप क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये जो है ये थोड़ा नेगेटिव में है कि बिकॉज ये लिखा हुआ एक्सेप्ट, आप सब कुछ कोई प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट जो कि स्पेस एक्सोशनस है। फिर राइट ऑफ री एंट्री, ईजमेंट, रेस्ट्रिक्टेड ट्रस्ट, मेंटेनेंस, मेयर राइट टू सू, तो ये सब जो आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफिस, पेंशन, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कौन कौन से ट्रांसफर हम नहीं मानते ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, पार्टीशन जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, रेलिंक्विशमेंट दैट इज नॉट अ ट्रांसफर, सरेंडर करी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है। अब मान लीजिए जैसे कि पब्लिक ऑक्शन में आप जो प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी आपको नहीं पसंद है, आपने सरेंडर कर दी, तो क्या उसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट ट्रांसफर। फिर ईजमेंट आ गया, विल, कॉम्प्रोमाइज, फैमिली अरेंजमेंट, मैंने यहाँ फैमिली अरेंजमेंट के बारे में लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर ट्रांसफर टू आइडोल, कि भी आइडोल जो है वो लिविंग पर्सन है या नहीं है, तो उसके बारे में मैंने लिख दिया है, आप जो है वो यहाँ देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। फिर 2019 में
एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल. तो इट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी है ये भी. मैक्सिम कौन सी आती है, नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट नो वन कैन कन्फर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पोजेसेस. ठीक है, सेक्शन कौन सा आता है, 43 आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं. अब इसमें क्या एक्स्ट्रा लिख सकते हैं वो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए. इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं 43 के, तो वही लिख दिए यहाँ पर आप देख सकते हैं. कुछ इसमें एडिशन करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जाकर. फिर 43 अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ पुलिंग केसेस पास सक्सेशनिस लीजेस मॉर्गेजेस. ठीक है, एक्सेप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट ऑफ एस्टॉपल नो एप्लीकेशन ऑफ रूल इन एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द ट्रांसफरर. ट्रांसफर ने खुद ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दी तो फिर कैसे डॉक्ट्राइन अप्लाई होगी, नहीं होगी. ट्रांसफर्स इन एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. ठीक है, तो आप ये सब जो है लिख सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल में. ठीक है, फिर आ गया 6 डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, फिर से वही सब लिखा हुआ है. फिर गिफ्ट भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, असेंशियल गिफ्ट भी कर चुके हैं, ऑनरस गिफ्ट भी कर चुके हैं, यूनिवर्सल डोनी भी कर चुके हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम एंड हाउ इट कैन बी ट्रांसफर्ड. तो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन कहाँ पर प्रोवाइड की गई है, सेक्शन 3 ट्रांसफर प्रॉपर्टी जहाँ इंटरप्रिटेशन है वहाँ पर लिखा हुआ है. मीन्स क्या होता है, क्लेम टू एन अनसिक्योर्ड डेट बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी बोथ क्लेम दैट रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ एज अफोर्डिंग रिलीफ. ठीक है, अब व्हाट इज अनसिक्योर्ड डेट, ऑल मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट That is not covered by any security or mortgage, pledge or hypothecation. ठीक है, अब 3 requirement हैं उसमें, क्या क्या, monetary obligation होना चाहिए, security नहीं होनी चाहिए और certainty amount of money obligated, मतलब there must be a proof कि भाई हाँ money जो है वो आप जो है देना है. Debt कैसा होगा, existing होगा, accruing भी हो सकता है. फिर contingent कंडीशनल डेट आ गया, वीडियो पोस्ट करके आप इसको देख सकते हैं. फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम, तो थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर. अब कौन कौन से इंस्टांस हो सकते हैं यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम जो है आप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये इंस्टांसिस हैं एक्शनेबल क्लेम के, अरियर्स ऑफ रेंट हो गया, मनी डू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, अर्नेस्ट मनी सेट असाइड हो गई, पार्टनर टू की अकाउंट्स के लिए बेनिफिट ऑफ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट परचेज, राइट टू गेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, शेयर इन पार्टनरशिप, तो ये सब आप जो है देख सकते हैं. कुछ रह गया तो आप मैंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर. अब क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं हो सकता, डिक्री राइट टू गेट डैमेजेस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्लेम टू मीन प्रॉफिट्स, कॉपीराइट, और एक और आता है लॉटरी, लॉटरी भी दैट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम. अब ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, एज पर सेक्शन 130 विच प्रोवाइड दैट ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम शैल बी फिट ओनली बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड साइन बाय द ट्रांसफरर और इट्स ऑथराइज एजेंट शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्चुअल अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट.
तो आप ये लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, रूल अगेंस्ट परपेचुटी जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राजस्थान और एमपी के, वो डिस्कस कर लिए हैं। एंड दीज आर ऑल्सो पोटेंशियल क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं डीजीएस के पेपर में भी, इसमें से आ सकता है। मे बी थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं डीजीएस में, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। बट कंसेप्ट जो है वो तो कंसेप्ट सेम ही रहेगा। एंड आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन थे मेंस में, तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर सकते हैं। अभी एक घंटे की वीडियो है, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और आपने नोट्स बना लिए इस वीडियो से, तो आई होप कि दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जाम। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।